अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल इम्पेयरमेंट की मैंने जनरल अप्रोच बताई थी और एक खुद बनाया हुआ सवाल कर लिया था, एक पास्ट पेपर का सवाल कर लिया था। पास्ट पेपर का और करते हैं सवाल, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी और पढ़ लें। पेज नंबर 11, चैप्टर में पेज 11। इम्पेयरमेंट की जनरल अप्रोच ये है कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एक्सपेक्टेड और उसको इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और उसके बाद ईयर एंड पे जाके देखते हैं कि क्या रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा है कि नहीं। अगर बढ़ गया है तो 12 मंथ लॉसेस से लाइफ टाइम लॉसेस पे चले जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ा तो 12 मंथ लॉसेस पे ही रहेंगे। और अगर एमोर्टाइज कॉस्ट है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस जो कि कॉन्ट्रा एसेट है वो क्रेडिट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। और किस अमाउंट से? जो इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर दी हुई है उससे, या वो सीडी है जो दिया हुआ है? वो जो दिया हुआ है सवाल में वो सीडी है। बी डी सी डी का डिफरेंस हमने लेना है। अच्छा, पेज 11 पे पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पेज 11 पॉइंट 3 पढ़ लें। यही जो आप पूछ रहे हैं ये लिखा हुआ। पेज नंबर 11.3 के अगर पहले सिग्निफिकेंट रिस्क चेंज हो गया था तो हम लोग लाइफ टाइम पे चले गए थे, अब अगर बाद में रिस्क वापस आ गया तो फिर 12 मंथ वाले पे आ जाएंगे। और ये सवाल वाला बताएगा कि सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये सवाल वाले ने बताना है। अमाउंट के डिफरेंस से कैसे? वो तो हम अंग्रेजी की वजह से लाइफ टाइम पे गए थे, अमाउंट देख के तो लाइफ टाइम पे नहीं गए थे। सवाल में लिखा हुआ था कि सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है रिस्क, तभी तो 12 मंथ से लाइफ टाइम पे गए थे, अमाउंट देख के तो नहीं गए थे। नहीं, हाँ सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ने का कहेगा तो फिर ऐसे ना जाए। अच्छा जी, पेज 11 पे पॉइंट 3 का है पढ़ लें। तो पेज 11 में ये चारों पॉइंट्स पूरे हो गए। अच्छा, अभी जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर डब्बा बना हुआ ना इंपॉर्टेंट के नाम से, ये सिर्फ मैंने आईएएस में कुछ पैराग्राफ देखे जो मुझे लगे दिल को के नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल में मेनली नॉलेज के लिए ही हैं, इनमें मुझे को खास ऐसी चीज़ नहीं लगी कि वो न्यूमेरिकली चेस्ट होने वाली हो। तो ये इंपॉर्टेंट वाला डब्बा पढ़ लें, मेनली नॉलेज के लिए है, पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2 के नीचे जो इंपॉर्टेंट का डब्बा बना हुआ है ये मेनली नॉलेज के लिए ही है। आईएएस के कुछ पैराग्राफ उठा के डाले मैंने, ये मेनली नॉलेज ही के लिए बातें हैं, पढ़ लें बस। पॉइंट थ्री में वो ये कह रहा है कि अगर पहले हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस पे चलना शुरू हो गए थे लेकिन अब लगता है कि क्रेडिट रिस्क इनिशियल रिकग्निशन से कंपेयर करें तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अब हम वापस 12 मंथ पे चले जाएंगे। हाँ, इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर ली 12 मंथ लॉसेस वाली अमाउंट से, ईयर एंड आया और मैनेजमेंट को लगता है कि इनिशियल रिकग्निशन पर जो रिस्क था अब बहुत बढ़ गया है, तो हम लोग 12 मंथ से लाइफ टाइम पे चले गए। अगले साल फिर ऐसे ही रहा, लाइफ टाइम पे रहे। तीसरे साल रिस्क कम हो गया, कंपनी के हालात अच्छे हो गए, रिस्क कम हो गया, तो अब जब रिस्क कम हो गया तो हम फिर लाइफ टाइम से वापस 12 मंथ वाले पे आ जाएंगे। यानी वो जो फिगर हम लाइफ टाइम वाले कॉलम से उठा रहे थे अब 12 मंथ वाले कॉलम से उठाने लग जाएंगे। इंपेयरमेंट जरूरत नहीं है, नहीं साल के दरमियान में करने की जरूरत नहीं है ना, अपने साल के एंड पे फैसला करना होता है। इस डब्बे में पहला बुलेट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हम ये किसी एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट 2 में ये मैंने कल बताई थी बात कि
क्रेडिट लॉस की अमाउंट की बेस पे फैसला नहीं करना कि रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो चांसेस हैं डिफॉल्ट के उसकी बेस पे फैसला करना है। द एंटिटी शैल यूज द चेंज इन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। बुलेट पॉइंट टू में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला करने के लिए कि क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, ये फैसला अमाउंट ऑफ लॉस देख के नहीं करना एंटिटी ने, चांसेस ऑफ डिफॉल्ट देख के करना। और बुलेट पॉइंट थ्री में लिखा हुआ है कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल हो उसकी बेस पे जो भी फैसला करना है करना है। और चौथे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की डेट 30 दिन से ऊपर गुजर गई है और पैसे नहीं मिले तो आप समझें कि ये कंपनी फारिग होने लगे। ये इन्होंने जस्ट एक इंडिकेशन दी है और अगली लाइन में कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बस वैसे ही इन्होंने कह दिया कि आप समझें कि अगर 30 दिन से ज़्यादा ड्यू हो गया ना तो इसका मतलब है कि रिस्क बढ़ गया, लेकिन ये जस्ट आईएएस की तरफ से एक इंडिकेशन थी। आपको ये बताया होगा सवाल के अंदर, ये 30 डेज वाली बात आप याद रख लें क्योंकि आईएएस पढ़ के ना जो सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं वो तो मैं बुक में रखता हूँ। ये वो चीज़ें थी जो मुझे छोड़ते हुए भी कुछ हो रहा था कि छोड़ दूँ ना छोड़ूँ, तो मैंने वो फिर पैराग्राफ इस डब्बे में डाल ली, तो इसलिए मेरे ख्याल में 30 डेज वाली बात याद रख लें आप। हो सकता है वो सिग्निफिकेंट रिस्क का वर्ड यूज़ करने की बजाय ये कह दे कि 30 दिन से ऊपर हो गए हुए हैं, क्योंकि आईएएस ने ये बात कही भी है कि ये प्रिजम्पशन है कि अगर 30 दिन से ऊपर ओवरड्यू हो जाए तो समझा जा सकता है कि सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ गया, तो हो सकता है वो सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ गया की बजाय 30 डेज वाली बात कर दे। जी हाँ, हम 12 मंथ से लाइफ टाइम पे चले जाएंगे, बस ये होगा। चले जी, पेज 11 डन। और एक पास ओवर का सवाल कल कराया था, एक अभी करा देता हूँ। रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल खोलें, क्वेश्चन नंबर 4, जून 22 क्वेश्चन 4। बुक में ढूंढ के शर्मिंदा ना हो, बुक में नहीं है यार, तीन दफा तो कर लिया जून 22, ग्रुप में है आपके पास। चले अब आपको इतनी आदत हो जाएगी जून दिसंबर सुनने की कि आप तंग आ जाएंगे आदत। जून 22 क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 4, इस सवाल को पहले किया था IFRS 2 को लेके। हाँ, IFRS 2 कराया था मैंने, फिर उसके अलावा इस 19 कराना था लेकिन वो आप लोग भूलभाल गए थे, मैंने छोड़ दिया था। एक इसमें लीज है, हाँ चलें पॉइंट 4 पढ़ लें इसका। जून 22 क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट 4 है, खुद ट्राई करने में मुझे तो कोई हर्ज नहीं है, करना है तो कर लें, है खुद करना ट्राई नहीं। हाँ है तो ये तो वैसे ही जैसे कल किया था, बस एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए एंट्रीज की बजाय। एक इसमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ आपको, खुद ट्राई करना है खुद ट्राई कर लें, है हाँ जी। होमवर्क पहले ही वो वाला पड़ा हुआ है, वो जून 11 वाला कर लिया। अच्छा चलो बढ़िया। चलिए ठीक है, करें आप लोग करें। हाँ, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP रिक्वायर्ड है और कंपैरेटिव फिगर्स भी रिक्वायर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट भी पड़े ना। ये सवाल हमने IFRS 2 करते हुए किया था, IFRS 2 करते हुए ये सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, इसका पॉइंट 4 करना है और आप लोग करिए ट्राई। मेरे ख्याल में 10 मिनट बहुत हैं, उसके बाद फिर मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा इसकी, लेकिन करें जरूर यार ट्राई। अजम्पशन बता देता हूं मैं, अजम्पशन क्या है पहले पढ़ लें फिर मैं अजम्पशन बताता हूं। उसमें एक अजम्पशन लेनी पड़नी थी और पेपर में बैठ के अजम्पशन जहन में कैसे आनी थी स्टूडेंट के पता नहीं, हो सकता है वैसे ही शायद स्टूडेंट ज़्यादा गहरा सोचे बगैर यही कर लेता, जो इसमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी हो सकता है ज़्यादा सोचे बगैर स्टूडेंट ने यही कर लिया हो, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार तो मैं अजम्पशन बताता हूँ। जून 22 क्वेश्चन 4 पॉइंट नंबर 4 आप पढ़ लीजिए, और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP और SOCI रिक्वायर्ड है 2021 का भी और कंपैरेटिव है तो 2020 का भी। ये सॉफ्ट कॉपी है, ग्रुप में थी एक दफा जून 22। कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए करा रहा था कि
स्टूडेंट कहते हैं जरा पैसे दिए तो पास पेपर तो होना, तो मैं तो गिनती पूरी कराने के लिए कर रहा था, वरना कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आप लोग ही कर लें हैं। लेकिन बस 10 मिनट बहुत हैं, पढ़ ले तो मैं अजम्पशन बताऊं। इफेक्टिव रेट किधर है? इफेक्टिव रेट दिया नहीं हुआ और आप निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि नहीं, कूपन रेट है, इंटरेस्ट तो पता है, एंड नहीं पता आपको। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो सारे कैश फ्लोस पता होने चाहिए थे ना, इनका एंड नहीं पता कि इनका एंड कब होना है, है? नहीं, 2 साल में खत्म हो जाएगा ये कह रहे हैं। अरे नहीं भाई, अगर आपको इसका एंड पता होता ना, कि एंड से मेरे मुराद ये है, ये पता होता कि कब वापस होने और कितने वापस होने, तो इफेक्टिव रेट निकाल सकते थे जैसे कल तरीका सिखाया था, फिर आपको निकालना पड़ता। लेकिन इसमें इसकी मैच्योरिटी का बताया ही कुछ नहीं, तो इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकते। वाहिद मजबूरी अजम्पशन ये है कि इफेक्टिव रेट भी 12% ही होगा, ये अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ हल नहीं है। और ये बुरी अजम्पशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रिडेम्पशन ऐसी अमाउंट हो कि इत्तेफाक से इसका इफेक्टिव रेट भी 12% निकला, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इतनी बुरी अजम्पशन नहीं है। लेकिन आपको अजम्पशन इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि आप इफेक्टिव रेट निकाल ही नहीं सकते, डेटा ही पूरा नहीं है। अगर डेटा होता, मेच्योरिटी बताई होती, बताया होता कि कितने वापस होने हैं, तो आप इफेक्टिव रेट निकालते, नहीं निकाल सकते, डेटा नहीं है, इसलिए आपको 12% ही इफेक्टिव रेट अज्यूम करना पड़ेगा। चले करिए अब आप, चले अब से 10 मिनट स्टार्ट और कोशिश पूरी करें यार के करना है। जिनको अभी तक सवाल ही पता नहीं चला, पूछते हुए शर्मा रहे हैं, जून 22 क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 पढ़ें और रिक्वायर्ड पढ़ें, तो 21 और 20 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। कूपन रेट तो फेस आईडी पे लगता है जी, 500। नहीं, ये जो वाज नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड है ना, ये चीज़ अभी नहीं पढ़ाई आपको, मैंने कल भी कहा था, ये जो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है, ये कल भी सवालों में था, ये चीज़ अभी नहीं पढ़ाई, इसको तो इग्नोर करें। अब इसमें कहीं कहा है कि सिग्निफिकेंटली रिस्क इंक्रीज हो गया, तो फिर 12 महीने पे ही चलेंगे।
नहीं यार, 2 साल, अगर 2 साल बाद ख़त्म हो जाने होते तो फिर 2021 के एंड पे खड़े होके लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन से आ रहे होते? इक्कीस के एंड पे ख़त्म हो जाने होते तो फिर ये डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कहाँ से आ जाती? सात मिनट हो गए, हो गया सवाल?
10 मिनट हो गए। नहीं यार, और भी बहुत कुछ करना है आज। चले बस यार, और भी बहुत कुछ करना है। चले इधर देखें, जहां तक भी पहुंचे तो अंदाजा हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 4.4 जून 22 एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल। इकतीस दिसंबर 21 स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 5 मिलियन डिवेंचर्स खरीदे और नीचे टेबल में पता चल रहा है कि उस वक्त उनकी मार्केट वैल्यू 105 थी, तो 105 × 5 525 प्लस 4 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो 529। ये हो गई इनिशियल। इस पे एतराज, इफेक्टिव रेट 12% अज्यूम करना पड़ेगा और हल नहीं है। लगाएं 12%, 60। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कूपन 12% तो फेस वैल्यू पे ही लगेगा, 60 532.48 फिर से 12% 63.9 60 536.38 और दूसरा टेबल फेयर वैल्यू वाला 31 दिसंबर 20 पे 532.48 फेयर वैल्यू। 5 मिलियन डिवेंचर्स हैं, 109 रुपए का एक, 12.52 31 दिसंबर 21 536.38 110 रुपए का एक, 111 × 5 555 18.62 पहला वाला 12.52 और दूसरा वाला 6. ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला टेबल। यहां तक कोई एतराज परेशानी? दो हजार बीस एसओसीआई में एक तो ये इंटरेस्ट इनकम आएगी, 2021 में 63.9 और 63.48 और क्या आएगा? इम्पेयरमेंट लॉस आएगा और वो उसने खुद ही आपको पर डिवेंचर करके दिया हुआ है, आपने बस उसको मल्टीप्लाई करना है। कल वाले सवालों में टोटल दिया हुआ था, इसमें अब आपको पर डिवेंचर करके दिया हुआ है। तो 2020 में अच्छा, ये मैंने कल बात की थी, रिपीट कर रहा हूँ, अगर एंट्रीज मांगी हुई तो फिर ये जो 1 जनवरी वाला दिया हुआ है इसकी भी एंट्री करते, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट्स पूछें तो फिर ईयर एंड वाला ही काफ़ी। अगर एंट्रीज मांगी हो ना फिर तो 1 जनवरी वाले की एंट्री करनी थी चूंकि, तो वो अलग चाहिए था, लेकिन अगर करने ही एक्सट्रैक्ट्स हैं तो बस सिर्फ इनिशियल को छोड़ के सीधा ईयर एंड वाली फिगर ले लेंगे। तो 2.5 और 2.5 × 5 मिलियन
12.5. 2020 में 5 मिलियन डिबेंचर्स थे और उन 5 मिलियंस पे 2.5, और 2021 के लिए चूंकि नहीं कहा कि रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो नहीं बढ़ा, इसलिए अभी भी हम 12 मंथ वाली लाइन पे ही रहेंगे, तो वो 2.5 से 4 हो गया यानी 1.5, 7.5. ये हो गई इनकम एक्सपेंसेस वाली चीजें, और चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इसलिए अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, यार अभी से जमाइयां आ रही हैं अभी तो, फेयर वैल्यू गेन ही गेन है मेरे ख्याल में, नहीं लॉस भी है, इधर लॉस आ जाएगा। 2020 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही है, और बल्कि ठीक है गेन ही है, गेन है ये, फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट आ गई, और इम्पेयरमेंट लॉस में भी इसने क्रेडिट ही होना है, तो 2020 में हो जाएगा 12.5 एक और 12.52 एक, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री है, इम्पेयरमेंट लॉस पी एंड एल डेबिट और उसकी एक क्रेडिट, तो उसने भी इसमें ऐड ही हो जाना है, तो 2020 की फिगर बन गई 25.02, और 21 में 6.1 ये फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट आ गई और 7.5 इम्पेयरमेंट वाली एडजस्टमेंट आ गई, तो 7.5 और 6.1 13.66 जी। वो बैलेंस शीट में उसी फेयर वैल्यू रिजर्व में ही लेके जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप ओसीआई में भी दोनों इकट्ठे ही कर लें, और रीजन भी मैंने आपको लॉजिकली यही समझाई थी कि अगर ये फेयर वैल्यू इंपेयरमेंट की वजह से कम ना हुई होती तो फिर ये फेयर वैल्यू भी 545 की बजाय 558 समथिंग आ रही होगी, तो इसलिए बेहतर है कि दोनों को मिला के टोटल अमाउंट ही दिखाएं यहाँ पर। इनिशियल वाला की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अगर आप एंट्री के हिसाब से देखें, अगर सवाल में एंट्रीज मांगी होती तो हम 1 जनवरी पे भी एंट्री करते इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और वो एंट्री करते कितने से, 1 जनवरी पे कितना आ रहा है 12 मंथ लॉसेस, 2 आ रहा है, 10 से एंट्री करते, फिर 31 दिसंबर पे जाके इसको 2.5 पे अपडेट करते, 0.5 से फिर करते एंट्री, तो एंट्रीज मांगी हो ना फिर तो आपने अलग अलग करनी है, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई मांगे हैं तो दोनों मिला के 12.5 ही हो जाना है, इसलिए आप सिर्फ ईयर एंड वाली फिगर ही ले लें। एंट्रीज मांगी हो तो इनिशियल वाली एंट्री भी करनी है, लेकिन अगर एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो बस ईयर एंड वाला काफी है। इधर लॉस होता तो ये चलो माइनस होता तो ये वाला नेगेटिव लेते, नहीं ये माइनस 6.1 होता और ये तो भारत प्लस ही होता, तो 7.5 माइनस 6.1 होता। ये तो फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट्स हैं, इनका जो भी साइन इधर आ रहा है वो साइन लेंगे, लेकिन अगर ऊपर इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है तो ओसीआई क्रेडिट ही हो रहा है, यानी वो प्लस ही होना है। यहां पर जो भी साइन आ रहा है वो साइन एज इट इज उठा लें, और साथ इंपेयरमेंट लॉस वाला तो यहां प्लस ही होना है। ये इंपेयरमेंट लॉस वाली फिगर को इसके साथ मिलाने वाली बात समझ आई कि नहीं, ये है जी एसओसीआई जी। अरे हाँ सही है शाबाश, एक चीज मिस हो गई, वो पहली लाइन मिस हो गई भी। पहली लाइन में देखिए हमने डिबेंचर्स कितने के खरीदे, 515 के, जबकि इनिशियली हम रिकॉर्ड उसको 525 पे कर रहे हैं, नहीं वो 4 के अलावा कह रहा हूँ ना, चलो 4 में मिला लेते हैं, हमने 515 के खरीदे और 4.7 आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिला लें चलें 519, जबकि हम रिकॉर्ड 529 पे कर रहे हैं, तो 10 मिलियन का गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आ गया। नहीं समझ आई तो पहली एंट्री करके दिखा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट की है हमने 529, जबकि कैश जेब से जा रहा है 515 एक और 4 एक, तो 10 का गेन आ गया ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, वो भी यहां पर आएगा इनकम के तौर पे, इधर ओसीआई से ऊपर गेन
ऑन इनिशियल रिकग्निशन 10। ये है जी एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, और अगर कोशिश की है तो को बहुत मुश्किल काम नहीं है वैसे। इम्पेयरमेंट है मुश्किल है ही नहीं अभी तक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ना? नहीं अच्छा। इम्पेयरमेंट लॉस 12.5 की एंट्री क्या हो रही है? इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या हो रही है 12.5 की, 7.5 की एंट्री क्या कर रहे हैं हम? हाँ, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। तो फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट होगा तो वो और क्रेडिट मतलब ओसीआई में और आएगा। कल थे क्लास में आप? कल वाली क्लास में थे? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री है, अरे इतनी लंबी तो कहानी सुनाई थी यार इस पे। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री हो रही है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट तो वो एक्सपेंस आ रहा है इसलिए वो ओसीआई से ऊपर एक्सपेंस लिखा है, और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट होने का मतलब है ये एक तरह का गेन बन गया ओसीआई का। अब वो गेन क्यों बना ये भी कल बात समझाई थी कि फेयर वैल्यू कम आई हुई है इंपेयरमेंट की वजह से। अगर इंपेयरमेंट ना होती तो ये ज्यादा आ रही होती, तो वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो और ज्यादा आ रही होती, इसलिए हम उसमें ये ऐड कर रहे हैं। एसओसीआई और एसओएफपी, एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एसेट्स में, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो वो तो सिंपली फेयर वैल्यू पे ही आनी है। दो हजार बीस एक तो आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो वो तो ये फेयर वैल्यू पे ही आएगी, 545 और 555। और उसके अलावा इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाएगा। इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व कितना आ जाएगा जी? एक तो वो फेयर वैल्यू वाला असली वाला फेयर वैल्यू का रिजर्व आएगा, दूसरा वो जो इंपेयरमेंट लॉस हम बना रहे हैं। तो एक तो 2020 में असली वाला है 12.5, और इंपेयरमेंट वाली फिगर कौन सी उठानी है, कहां से कैसे? सवाल से क्लोजिंग फिगर उठानी है, बस जो सवाल में दी हुई है वो इंपेयरमेंट लॉस की क्लोजिंग फिगर ही है, वही है जो हमने उठानी है। तो 20 में 2.5 कह रहा हूं 12.5 है, और 2021 में नहीं भाई 18.62 20, क्योंकि 4 रुपए है ये प्लस वाली फिगर नहीं आई समझ, कुछ भी समझ नहीं आया है? कुछ भी समझ नहीं आया? इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस कौन सा आएगा? एक तो यही फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है, और दूसरा हमने वो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस बनाए हैं वो भी इसी के अंदर आके ऐड होना है। तो 2020 के एंड पे खड़े होकर एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हैं? सवाल में दिए हुए 2.5 रुपए पर डिबेंचर इंटू 5 मिलियन, तो इसमें 7 वो 12.5 मिला दिया। और 2021 के एंड पे कितना है? 4 रुपए इंटू 5 मिलियन डिबेंचर्स 20 मिलियन, तो इसके साथ 20 मिलियन मिला दिया, तो रिजर्व का बैलेंस बन गया 25.02 और 38.62। ठीक बैलेंस शीट में एक मिनट
क्वेश्चन फोर में मैंने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मुझे लगता है मैंने एमोर्टाइज कॉस्ट के बनाए थे, फेयर वैल्यू वाले के शायद बनाए ही नहीं थे, एसओसीआई के बना के मैंने शायद वही बात खत्म कर दी थी मुझे लग रहा है। मुझे लगता है मैंने एसओएफपी की लाइन शायद मिटाई ही नहीं थी, एसओसीआई ही किया था फिर। हाँ हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर के अंदर एमोर्टाइज कॉस्ट को तो मैंने बोर्ड पे दोनों लिखे थे और एसओसीआई के लिखे थे और मैंने कहा था एक्स एक्स लिख के समझाता हूँ और फिर वो बात समझाई भी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एसओसीआई पे ही बात खत्म कर दी थी, एसओएफपी के शायद मैंने अपडेट ही नहीं किए थे। तो अगर आपने किए हुए हैं नोट तो एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर सवाल में मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा लेकिन कल कराते कराते बना दिया था रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर में अगर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए और 2019-2018 एक तो नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितनी, किधर 280,000 और इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व, एक तो वो असली वाली रिजर्व्स की फिगर आनी है और साथ उसमें फिर वो इम्पेयरमेंट वाली फिगर ऐड हो जानी है। तो 2018 में असली वाले रिजर्व की फिगर क्या आ रही थी, 44,399 और 2018 के एंड पे लॉसेस की फिगर कितनी थी, 10,000 54,390 और 2019 के एंड पे असली वाले फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस क्या था उस वर्किंग में, फेयर वैल्यू रिजर्व 48 और 2019 के एंड पे 60,516। ये एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स कल मुझे लगता है मैंने शायद नोट नहीं किए थे बोर्ड पे, एसओसीआई के करके ही छोड़ दिया था मुझे लग रहा है। तो ये एसओएफपी वाले एक्सट्रैक्ट्स पूरे कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर, ये रिजर्व की फिगर ऐसे बन रही है कि जो इस वर्किंग में ये कॉलम है और इन में प्लस जो उस ईयर एंड पे एक्सपेक्टेड लॉसेस का बैलेंस वो साथ ऐड कर देना। इसमें पूछें और जो पूछना है, चलिए ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो 2900 की एक बात की थी, जहां से शुरू किया था कल क्रेडिट लॉस, वो निकाला कैसे था, फ्यूचर कैश फ्लोज जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और जितने मिलने की उम्मीद है उनका डिफरेंस लिया था मैंने, और उस क्रेडिट लॉस को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाएंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। ये जो 2900 की फिगर है ना, वैसे तो आपको सवालों में ये लॉसेस एक्सपेक्टेड लॉसेस दिए होते हैं, कैलकुलेट भी करवाए जा सकते हैं। कल वाली फिगर बताइएगा मैंने 2900 किसका डिफरेंस निकाला था, एक शायद 10,100 था शायद, दूसरा 7,200 था, तो इनका डिफरेंस लेके 2900 बनाया था। ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है, 28.71। आपको ना अगर ये एक्सपेक्टेड लॉसेस सवाल में ना बताए हुए कैलकुलेट करवाए गए, कैलकुलेट कैसे करवाए गए, 2900 इनटू प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है आपको 2900 कैलकुलेट करना पड़ जाए जैसे मैंने सिखाया था, या फिर आपको ये 2900 के बारे में कह दिया जाए कि इस इन्वेस्टमेंट में 28.7% डूबने की उम्मीद है, तो वो क्रेडिट लॉस की फिगर होगी और 7% ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड बन जाएगा, वो दी होगी। यानी अगर आपसे कैलकुलेट करवाया गया, IFRS में है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, मैंने आगे वो डाले मैं सवालों में, तो अगर ये कैलकुलेट करवाया गया तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको 2900 की अमाउंट देने की बजाय ये कह दिया जाए कि कैरिंग अमाउंट में से इतने परसेंट डूब जाएगा जैसे बैड डेट होता था, तो ये उस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि आपको अमाउंट की एक परसेंटेज कहा हो कि ये डूब सकती है, तो ये क्रेडिट लॉस होगा और साथ फिर प्रोबेबिलिटी होगी कि
कितने चांसेस हैं कि पैसा डूबेगा, तो उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस बनेगा। पेज नंबर 12 पे आ जाएं चैप्टर में, चैप्टर का पेज 12। पेज 12 का टॉप सिंप्लीफाइड अप्रोच, पेज 12 का टॉप सिंप्लीफाइड अप्रोच, चैप्टर में पेज 12। तीन चीजें हैं जो नाम लेके आईएएस में कहीं नहीं है, डेटर्स, ये हम आईएफआरएस 15 में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये भी आईएफआरएस 15 में पढ़ेंगे। जिनको अभी कैफ में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत याद हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट एक अलग चीज है और ट्रेड रिसीवेबल एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें होती हैं, भूल भाल गए जो कोई बात नहीं, हमने आईएफआरएस 15 पढ़ाना है। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये दोनों ही तकरीबन डेटर जैसी चीजें, थोड़ा सा फर्क है टेक्निकल, लेकिन अभी जब तक आईएफआरएस 15 नहीं पढ़ते तो आप समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये डेटर ही की बात हो रही है, और लीज रिसीवेबल ये नाम लेके मेंशन है। इन तीनों के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच लगेगी। अच्छा, अब इस सिंप्लीफाइड अप्रोच के लगाने के लिए ये जो शुरू में मैंने टेबल बनाया हुआ है कि अगर ये हुआ तो क्या और अगर ये हुआ तो क्या, जब आपको आईएफआरएस 15 पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक चीज आती है कि डेटर्स या कॉन्ट्रैक्ट एसेट में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ी होती है। आईएफआरएस 15 में, अगर बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं आपने कैप में पढ़ा है, तो उसमें रेवेन्यू का एक पोर्शन था जिसमें सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ी थी, लाइक इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा चले, होगा आईएफआरएस 15 होगा और उसमें काम होगा कि हम लोग सेल्स की अमाउंट निकालने के लिए या तो कुछ कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे या कंपाउंडिंग कर रहे होंगे, ये होगा एक काम। इसके लिए आईएएस में लाइन होती है कि इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ये लेफ्ट कॉलम ये है, आईएफआरएस 15 में हमने ऐसी कैलकुलेशंस करनी है जहां पर हमें डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, अगर वो करनी पड़ी तो लेफ्ट कॉलम है और अगर ऐसा नहीं है तो राइट कॉलम है। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर डिस्काउंटिंग नहीं करनी पड़ी तो लेफ्ट कॉलम है और अगर करनी पड़ी तो राइट कॉलम। पहले तो ये कॉलम का फर्क समझ लें, उसके अंदर क्या है वो बताता हूं। पेज 12 पे हूं मैं, तीन चीजें नाम लेके कही हुई है सिंप्लीफाइड अप्रोच की, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये दोनों चीजें आईएफआरएस 15 में पढ़ाऊंगा और ये दोनों ही आप फिलहाल डेटर समझ लीजिए, एंड लीज रिसीवेबल, इनके बारे में सिंप्लीफाइड अप्रोच है। अगर डेटर या कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो आईएफआरएस 15 में पढ़ाऊंगा, अगर उनमें डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग नहीं करनी पड़ रही, आईएफआरएस 15 में पढ़ लेंगे तो लेफ्ट वाला कॉलम है और अगर डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग करनी पड़ती हुई तो राइट वाला कॉलम है। और लीज रिसीवेबल इनमें से किस कॉलम में, वो राइट वाले में ही है क्योंकि उसमें तो हां करनी होती है डिस्काउंटिंग। तो लेफ्ट वाला कॉलम अगर हुआ, क्या है लेफ्ट वाला कॉलम, ये ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिनमें डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, वो लेफ्ट कॉलम है और अगर करनी पड़ी तो राइट कॉलम है। अच्छा, लेफ्ट कॉलम में क्या करना है, लेफ्ट कॉलम में सिंप्लीफाइड अप्रोच ही लगानी है और राइट कॉलम है तो कंपनी की मर्जी है, लगानी तो लगा ले, नहीं तो जनरल अप्रोच लगा ले। और ये है, आपको सवाल वाला बताएगा, और ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है क्या, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच ये है कि 12 मंथ लॉसेस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपने शुरू से ही लाइफ टाइम लॉसेस चलाने हैं बस। दोबारा जनरल अप्रोच क्या थी, इनिशियली 12 मंथ लॉसेस की फिगर, अच्छा 12 मंथ लॉसेस की फिगर वो एंड पे सबसे, क्या मतलब 12 मंथ लॉसेस की फिगर, 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉसेस और लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉसेस क्या फर्क है। सही है, बिल्कुल। 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस है जिसमें हमने एक्सपेक्टेड लॉस बनाने के लिए इस 2900 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, किस प्रोबेबिलिटी से कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर इवेंट हो जाएगा, उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। और अगर पूरे टाइम पीरियड में कभी भी इवेंट हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ तो लाइफ टाइम है। तो जनरल अप्रोच ये थी कि इनिशियली लॉस किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, 12 मंथ, उसके बाद देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क बढ़ा है कि नहीं, अगर बढ़ गया सिग्निफिकेंटली तो लाइफ टाइम पे शिफ्ट कर जाएंगे और नहीं बढ़ा तो 12 मंथ पे,
और अगर बढ़ गया था और बाद में वापस आ गया तो लाइफ टाइम से 12 मंथ पे आ जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच है कि 12 मंथ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, पहले दिन से लाइफ टाइम वाले लॉसेस चलाने। और करना क्या है, करना वही है कि लाइफ टाइम लॉसेस चलाने और जो इंक्रीज डिक्रीज है उससे एंट्री करनी है। पेज 12 सिंप्लीफाइड अप्रोच पढ़ लें, आधा पेज है तकरीबन। हाँ जी, पेज 12 हाफ पढ़ने को बाद ये कल भी यही बात हुई थी, बल्कि शायद की नहीं थी, अब तो नहीं शायद की थी कि अगर लॉसेस कल को कम हो जाते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, उसको इंपेयरमेंट गेन बोला हुआ इन्होंने। है ये एक्चुअली इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, लेकिन गेन का वर्ड यूज किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, लॉस रिवर्सल है, लेकिन वैसी लिमिट निकालना कि वो डेप्रिशिएट होके, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, वैसे बस लॉस रिवर्सल है। हाँ जी, सिंप्लीफाइड अप्रोच, तो सवाल आना चाहिए था यार, या तो पढ़ ही नहीं रहे यार, सोए में, एक सवाल तो आना बनता है। हाँ तो फेर वेल रोसिया किधर गया, ये चीज़ उसमें आती नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होती नहीं है, क्योंकि इसको कौन सा हमने सेल करने के लिए रखा होता है। देखें, डेटर है, उस डेटर को हमने अपने एसेट बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, उससे पैसे मिल रहे हैं, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही हैं, तो उन डेटर्स को हम बेच भी देंगे जब मौका मिलेगा, तो नहीं बेचते ही नहीं उसको, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही होता है। नहीं, वो जो बैंक्स बेचते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि इस रिसीवेबल को वो अच्छे रेट पे बेच देते हैं, वो तो उन्होंने अगर कोई स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनानी हो तो बनानी हो, वरना इस तरह नहीं बैंक करते कि अच्छा भाई, जो बैंक करते हैं ना, पहली बात ये कि वो बैंक, ये ट्रेड रिसीवेबल बैंक के नहीं होते, IFRS मतलब बैंक पे नहीं होता, क्योंकि वो जो बैंक की इनकम होती है वो इंटरेस्ट होती है, वो सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 में कवर्ड है, IFRS 15 में नहीं है। तो यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली चीज लिखी नहीं हुई, क्योंकि डेटर क्रेडिटर में तो होती नहीं है, तो इसलिए ये वही बात लिखी हुई है बस, जो अमोर्टाइज कॉस्ट में है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, नहीं 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 7, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 भी और 8 भी, करना चाहें तो कर लें, नहीं तो जबानी देख लें, काफी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर लें तो भी आपकी मर्जी है, जबानी देखना तो भी आपकी मर्जी है, और मुझे अंदाजा है कि आपकी मर्जी क्या होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, पहले बेशक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 देख लें, छोटा सा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 थोड़ा एक दो साल का है, बहरहाल ये दोनों ही देख लें, करने हैं कर लें, देखने हैं देख लें।
वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बचपन में पढ़ते थे ना, वो असल में ये है, वो आपके बचपन की बातें थी बस, वो बच्चों को बस ऐसी बता देते हैं। असल में ये है जो आपने बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ी हुई है, असल में वो ये है जो अभी पढ़ रहे हैं आप, ये जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर रहे हैं ना, ये असल में वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की है। लेकिन तब बच्चों बच्चों के लिए अकाउंटिंग होती है तो IFRS 9 सिखाया नहीं होता, इसलिए वैसे काम चल जाता है। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लीज सीबल के लिए सिंप्लीफाइड रखनी है और ट्रेड सीबल के लिए जनरल रखनी है, सो हो सकता है ऐसा। ये कैसे पता चला? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और इनमें कहीं डिस्काउंटिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 की बात करें, 8 की, 8 में तो लिखा हुआ है ना, 8 में तो लिखा हुआ है फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, और 7 में भी लिखा हुआ है, तो अगर नहीं है तो शेल बी फॉलोड। हाँ जी हाँ जी, लाइफ टाइम 12 मंथ वाली फिगर इग्नोर। 7 पूछ रहे हैं 8 पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो पिछले साल का था ना, ये 18 का था, हमने 19 की एंट्री करनी है, तो 19 का पहले जो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे वो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस की फिगर होती है वो क्लोजिंग फिगर होती है। तो ये 3.5 लाख ओपनिंग दिया हुआ है, तो एंट्री इनके डिफरेंस से होगी। ये जो टेबल दिया हुआ है ये हम क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए है, और 3.5 लाख ओपनिंग दिया हुआ है 2018। देखें अगर लॉस हो जाएगा वाकई ही तो ये क्रेडिट इंपेयर्ड है, ये बस अभी पढ़ाने लगा। जब तक वो वाकया नहीं हो रहा तब तक एक्सपेक्टेड लॉसेस चल रहे हैं, जब वो वाकई डिफॉल्ट वाला वाकया हो जाएगा इसको कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज नाउ क्रेडिट इंपेयर्ड, वो फिर अभी पढ़ाने क्या करेंगे। एक्सपेक्टेड लॉसेस तो यही है कि हम लोग उसको इसी डर में है कि शायद अगले साल वो वाकया हो जाए जिससे कंपनी के हालात खराब हो जाए। आप सिंप्लीफाइड के लिए पूछ रहे हैं कि जनरल अप्रोच हो और रिस्क सिग्निफिकेंटली ना बढ़ा हो, बढ़ गया हो। हाँ हाँ, लाइफ टाइम वाला क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन 7-8 करें, मैं बताता हूं जवाब देता हूं उसका। बिल्कुल वही है, बिल्कुल मैंने कहा ना, जो आप लोग बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते आए ना, तो आपके तब आप लोग नन्हे मुन्ने होते थे, तो आप लोगों को IFRS 9 का नाम नहीं ले रहे होते थे, वरना असल में वो IFRS 9 ही है जो आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते रहे। छोटे छोटे से सवाल हैं यार, पूछना है कुछ? क्वेश्चन 7 और 8 का है करने को। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये बात क्लियरली लिखी हुई है, और अगर सवाल एग्जाम में टेस्ट हुआ तो हाँ क्लियरली कहा ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी कहा हुआ और बस ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वो सिंप्लीफाइड वाले ही होंगे, तभी वो ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि सिंप्लीफाइड उसने टेस्ट करना होगा। बहरहाल इसमें इसने कह दिया कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चूंकि सिग्निफिकेंट नहीं है इन्वॉल्व, तो ये जो मैंने अभी क्लास के शुरू में बात की थी
कि 2900 की फिगर दिए होने की बजाय कितने परसेंट डूबना है वो बताया जा सकता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, 5 लाख। इसका 80% लेंगे तो ये क्या चीज है? ये वो 2900 है, ये वो क्रेडिट लॉस है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाएं इसको? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। 12 मंथ वाली या लाइफ टाइम वाली? लाइफ टाइम वाली, सिंप्लीफाइड अप्रोच, लाइफ टाइम वाली। 19 के शुरू में यानी इनिशियल रिकग्निशन, नहीं नहीं हाँ इनिशियल रिकग्निशन पे 6% और ईयर एंड पे आके फिर उसको 6 से 7 पे ले जाना। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड लॉसेस की फिगर कैलकुलेट भी करवाई जा सकती है। तो जो डेटर का रिसीवेबल आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से इतने परसेंट डूब जाएगा, ये क्रेडिट लॉस है, ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नहीं, क्रेडिट लॉस है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इससे मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा 4 लाख, वो क्रेडिट लॉस है, और उसको फिर इस 6% से और 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉस अलाउंस की फिगर बनेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और 8 में ये बस आपने बचपन की बात ही करनी है। ये डेटर्स का एजिंग एनालिसिस दिया हुआ है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस लगानी और वो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस एंट्री बन जाएगी। 7, 8 डन। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, बाकी लोग भी सुन लें। सिंप्लीफाइड का नहीं, बस जनरल सवाल है, चाहे इसको आप सिंप्लीफाइड अप्रोच का कह दें चाहे जनरल अप्रोच का कह दें। सवाल ये पूछा है कि अगर हमारी एक इन्वेस्टमेंट है इन डिवेंचर्स और इसका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो हमने कौन से लॉसेस लेने हैं? 12 मंथ के लाइफ टाइम। तो सवाल ये है कि क्या पता ये अगले साल ही डूब जाए, तो क्यों ना हम 12 मंथ लॉसेस ले लें, लाइफ टाइम लॉसेस क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि फिर ना आपको शायद मैं समझा ही नहीं सका 12 मंथ लॉसेस और लाइफ टाइम लॉसेस क्या हैं। मैं दोबारा कोशिश करता हूं। अगर पैसा 5 लाख में से 80% डूबने की उम्मीद है, अभी जो 7 था ये है क्रेडिट लॉस, जो कल वाली बात करूं तो 2900 था, ये क्रेडिट लॉस है, लेकिन ये क्यों डूबेगा? शायद जो केस पेंडिंग है उसमें इनके खिलाफ फैसला आ जाए, शायद इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए एक्सपोर्ट का, शायद इनका एक मेजर सप्लायर है वो बिजनेस बंद कर दे, शायद इनके खानदान में लड़ाई चल रही है, इनके खानदान में फूट पड़ जाए और बिजनेस टूट जाए। ये मुख्तलिफ वो इंसिडेंट्स हैं जो हो चुके हैं, अभी हुए नहीं हैं। अगर हुए तो फिर हमारे से जो रिसीवेबल है ये शायद नहीं मिल सकेगा। कितने चांसेस हैं कि वो वाकया हो जाएगा? ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। 12 मंथ के अंदर अंदर ये वाकया हो जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं? लेट्स से 30%, बल्कि चलो मैं सवाल का डाटा ही ले लेता हूं, 6% नहीं 12 मंथ वाला 4%, 4% चांसेस हैं किस बात के? कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही ये वाकया हो जा रहा है जिसकी वजह से ये डूबना था, और 6% चांसेस हैं कि ये वाकया अगले साल भी हो सकता है, उससे अगले साल भी हो सकता है, उससे अगले साल भी हो सकता है, यानी जितना भी इसकी लाइफ अभी बाकी है उसमें ये वाकया कभी भी हो सकता है, इसके चांसेस 6% है, और अगले एक साल के अंदर अंदर ही हो जाएगा, इसके चांसेस 4% है। तो इस 6 के अंदर ये कवर्ड है, इस 6 के अंदर ये बात कवर्ड है क्या? लॉजिकली तो लाइफ टाइम इससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में हम सिर्फ अगले साल में होने के चांसेस ले रहे हैं, तो अगले एक साल के अंदर अंदर ये मामला हो जाएगा, इसके चांसेस तो निस्बतन कम ही होंगे, अगले 4 साल में कभी भी हो सकता है, उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगले 4 साल में अगला साल भी तो कवर्ड है ना। तो इसलिए 12 मंथ लॉसेस के अंदर सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं कि अगले साल में डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, जबकि लाइफ टाइम में अगला साल बशमूल अगला साल सारे साल देख रहे होते हैं। वही ना, मतलब वो वाकया हो जाएगा जिसकी वजह से इसने परेशान हो जाना, उस वाकये होने के चांसेस कितने हैं ये प्रोबेबिलिटी है, और जब उस प्रोबेबिलिटी को इस क्रेडिट लॉस की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बन जाएगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, सिंप्लीफाइड अप्रोच डन, जनरल अप्रोच डन, और ये आप ये सीख चुके हैं हम पेज 12 पे, ये जो मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये हम सीख चुके हैं, पढ़ना है तो पढ़ लें, ये हम कर चुके हैं।
ये 400,000 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर बन गई। अच्छा 2900 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर बन गई। 2900 कैसे निकला था? जो फ्यूचर कैश फ्लोज में डूबना था उसकी पीवी और उसको फिर आगे चांसेस से मल्टीप्लाई किया, यही लिखा हुआ इसमें कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते कैसे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका अभी बार बार रिपीट करके वही बात, बस अंग्रेजी में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ने तो पढ़ ले, नहीं तो बस यही बताया हुआ। हाँ जी 1.2 हेडिंग पेज 12 पे 1.2 हेडिंग यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको सिखाया है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अमाउंट निकलती कैसे। उनतीस सौ डिस्काउंट करके निकल रहा था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रहा था, बस यही बात इस इन लाइनों का मतलब यही है ये जो हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड लॉस इंपेयरमेंट लॉस की बात खत्म। अगली चीज है इसी पेज पे अगली चीज है क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट। वो है कि जिस वाकये का डर था वो वाकया हो गया, बैड डेट हो गया। नहीं, इसको ये कहना ठीक नहीं कि बैड डेट हो गया, वो हादसा वो वाकया हो गया, उनके खिलाफ फैसला आ गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो इंसिडेंट हो गया जिसकी पहले हम प्रोबेबिलिटी लगाए फिर रहे थे, अब वो इंसिडेंट हो गया है तो अब इस एसेट को क्रेडिट इंपेयर्ड कहेंगे। इसमें दो बातें हैं, या तो पहले सब सही था बाद में हालात खराब हुए, या फिर हमने खरीदे ही टूटे फूटे डिबेंचर थे। ये बात फिर सुने, जाग रहे हैं, क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट क्या है? वो वाकया हो गया जिसकी हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे थे। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट दो तरह का है, एक वो है कि जो पहले सब सही था बाद में हालात खराब हुए तो वो क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ, और एक क्रेडिट इंपेयर्ड वो है जो था ही टूटा फूटा डिबेंचर और हमने वो लंगड़ा लूड़ा डिबेंचर ही खरीदा था, समझते बूझते के फारिग कंपनी है, तो क्यों खरीदा था? हमने रिस्क लिया था, हमने जुआ खेला था, सस्ता मिल रहा था मार्केट में, तो हमने कहा चलो चांस ले लेते हैं। तो या तो क्रेडिट इंपेयर्ड बाद में हुआ होगा या हमने शुरू में ही बेकार एडवेंचर खरीदा होगा। तो क्रेडिट इंपेयर्ड है क्या, पहले तो आप ये कुछ अंग्रेजी पढ़ लें पेज 12 के आखिर से लेके पेज 13 के शुरू तक, पहले ये पढ़ लें पेज 12 क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, यहां से लेके अगले पेज के टॉप तक बस 2-3 लाइनें, बस 2.1 से ऊपर यहां तक पढ़ लें बस। हाँ जी ये मिसालें लिखी हुई हैं कि ये वो वाकये हैं जिनका जिनसे हम डर रहे थे। समझ आ जाए तो भी ठीक है, ना समझ आए तो भी कोई बात नहीं। हाँ जी चले पढ़ लिए, ना भी समझ आए कोई बात नहीं, बस दफा करें आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइव मैं करता हूं बोर्ड पे।
क्या डीप डिस्काउंट नाम से मतलब लग रहा वही होता है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट बहुत सस्ता मिल रहा है, तो हमने इतना सस्ता मिल रहा है क्या पता कल को कीमत बढ़ी जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए, मैं क्रेडिट इंपेयर्ड का क्या करना है वो सवाल के साथ सॉल्व करते करते सिखाता हूं, बगैर सवाल के मुश्किल हो जाएगा सिखाना, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सॉल्व करते करते सिखाता हूं कि ये क्या है। इसको लॉस गिवन डिफॉल्ट ये एक नाम इस्तेमाल होता है LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट, यानी कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो कितना लॉस होगा, इसको LGD कहते हैं। ये जो क्रेडिट लॉस है ना इसको ये भी कह सकते हैं। क्या क्या बैंक अकाउंट्स पे फाइनेंशियल एसेट्स अमॉर्टाइज कॉस्ट पे हो या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे हो उन पे लगेगा। तो कैश तो मेरे ख्याल में कोई अमॉर्टाइज कॉस्ट वाली या फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली चीज नहीं है। पता नहीं मेरे में नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। अच्छा पार्ट ए क्या है और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 12 मंथ पे चलना है, पार्ट बी लाइफ टाइम पे शिफ्ट हो जाना है, और पार्ट सी अभी सिखाना है। तो पहले तो जल्दी से पार्ट ए और बी कर लेते हैं ताकि पिछली रिवीजन भी हो जाए और उसके बाद फिर पार्ट सी सिखाऊं। अच्छा और ये जो हम अमॉर्टाइज कॉस्ट वाली वर्किंग करते हैं ना, लीजेस में चूंकि ऐसे ही कराना है इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मेट चलाया है, जिनको वो बेहतर लगे तो मैं टी अकाउंट में भी बना के दिखा देता हूं। हाँ मतलब मैं नहीं होगी कंफ्यूजन, ये टी अकाउंट ही तो है, मैं टी अकाउंट वाला बना के भी दिखा देता हूं। और बिटा दो खैर, जिनको टी अकाउंट आसान लगे वो टी अकाउंट कर लें, जिनको ये टेबल आसान लगे टेबल कर लें, और अगर कुछ भी आसान ना लगे तो जो कम मुश्किल लगे वो कर लें। हाँ और अगर दोनों ही मुश्किल लगे तो CA छोड़ दें मर जाए यार। मर जाए जाके चले कुछ 6-7 दफा तो कहूंगा कम से कम। इस टॉपिक के बगैर पेपर पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें से सवाल हाँ हाँ लाजमी आएगा भाई, लाजमी सवाल आएगा, इसमें ग्रेड अलग है, लाजमी सवाल आएगा। अभी इस दफा तीन तरह से टेस्ट हुआ, दो तो कर लिए हमने, तीसरा भी मेरे ख्याल में। क्या नहीं नहीं ये जो अभी हमने सवाल किया है तो ये एक मल्टीपल IAS के सवाल में पार्ट था, फिर से पहले एक वो फ्लो चार्ट वाला सवाल किया था वो भी एक मल्टीपल IAS वाला सवाल था। नहीं हाँ तो जून 20 में बन चुकी थी ना, जून 20 नए सिलेबस के मुताबिक था। जून 22 नहीं जून 22 क्या जी कंसोलिडेशन करेंगे तो खैर आपको तब पता लग जाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन में ये स्टैंडर्ड्स की गहराई नहीं टेस्ट हो रही होती, क्योंकि कंसोलिडेशन के अपने इतने मसले हैं कि वो स्टैंडर्ड साथ नहीं उलझाते। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ए और बी पार्ट कर रहा हूं उसका, सी जो है फिर वो 30-40 में करूंगा। 1 जनवरी को डिबेंचर्स खरीदे और 4.5 लाख के फेयर वैल्यू कितनी होगी,
इतनी ही होगी फिर, नहीं इधर ना से इतनी ही होगी फिर, तो इसकी फेयर वैल्यू यकीन इतनी ही होगी और इतने पे ही हमने इनिशियली इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं पहले पार्ट ए कर रहा हूँ और ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है कि अमॉर्टाइज कॉस्ट है, अमॉर्टाइज कॉस्ट है जो टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ये टी अकाउंट की शक्ल में बता देता हूँ, दोनों ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। दो डिबेंचर खरीदे कितने के हैं जी? 450,000 फर्स्ट जनवरी को, फिर 31 दिसंबर पे आके इसी के ऊपर इफेक्टिव रेट लगेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 45,000, इफेक्टिव रेट 10%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, 31 दिसंबर को कैश मिल गया 30, तो 31 दिसंबर का सीडी 465,000 2020 फर्स्ट जनवरी बीडी 465, 31 दिसंबर इंटरेस्ट इनकम 46,500, 31 दिसंबर कैश 30, 31 दिसंबर सीडी 481,500। ये वही जो टेबल बना रहा था मैंने वही बनाया, टेबल बनाना है टेबल बना ले, ऐसे करना ऐसे कर ले, हाँ वही मैंने कहा जैसे आपको मैंने दोनों चीजें बता दिया आपको। अच्छा ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, साथ अब लॉस अलाउंस भी कर लेते हैं। जी फर्स्ट जनवरी को इनिशियल 1st जनवरी का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सीडी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना 2019 के एंड पे क्रेडिट लॉस कितना। क्रेडिट लॉस देखें 2019 के एंड पे खड़े हैं, इससे पहले सवालों के अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की फिगर दी होती थी, अब आपको वो प्रोबेबिलिटी देके और क्रेडिट लॉस देके खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो 31 दिसंबर 19 पे मैं पूछ रहा हूं क्रेडिट लॉस की फिगर कैसे निकाले। 30% डूबना है, किसका 30%? जी 450 का। हम 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं, जो पैसा डूबने की उम्मीद है वो क्लोजिंग में से डूबने की उम्मीद है ना, तो 30% ऑफ क्लोजिंग यानी 465,000 का क्लोजिंग, 450 तो पुरानी हो गई बात, वो तो पैसे मिलने थे कुछ मिल भी गए। ये जो मैंने भी यहां 2900 बताया हुआ था, ये 2900 आपको एक परसेंटेज की शक्ल में भी दिया हो सकता है कि इतने परसेंट डूब जाएगा, तो किसका परसेंटेज? एसेट की कैरिंग अमाउंट का। तो 30% डूबने की उम्मीद है, ये है क्रेडिट लॉस यानी 465,000 का 30%। लेकिन पार्ट ए क्या कर रहे हैं हम, सिग्निफिकेंट नहीं है तो हमने 12 मंथ लॉसेस पे रहना है। ये हो गया 2900, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बनेगा इनटू 10%, 13,950। तो 31 दिसंबर इंपेयरमेंट बन गया 13,950। अगर आपको टी अकाउंट आसान लगे तो आप टी अकाउंट बना लें बेशक, वरना इससे पहले इंपेयरमेंट लॉस तो ब्रैकेट ब्रैकेट में ही कर रहे थे, आप उसको भी टी अकाउंट की शक्ल में ले सकते हैं। और खास तौर पे जो मैं अभी आपको क्रेडिट इंपेयर्ड बताने लगा हूं उसमें आपको ये टी अकाउंट बना लेना है, फायदे में रहेंगे, इसलिए इंट्रोड्यूस करा दिया। 2020 बीडी आ गया 13950, अब 2020 के एंड पे सीडी जी 35% डूबने की उम्मीद है, तो क्रेडिट लॉस कितना 35% ऑफ 481, ये हो गया क्रेडिट लॉस।
एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे बनाए? 11% से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अभी हम 12 मंथ लॉसेस पे ही चल रहे हैं. कितना? 18538. और 31 दिसंबर इंपेयरमेंट लॉस 2020 का बन गया 4588. और इसके अगर आप एक्सट्रैक्ट ऑफ एसोसिएशन बनाएं तो इंटरेस्ट इनकम और इंपेयरमेंट लॉस. एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. ये टी अकाउंट ठीक है. चले फिर इसी तरह पार्ट बी आप कर दें जल्दी से, फिर मैं लेक्चर 39 एंड कर लेता हूं. पार्ट बी आप कर दें, सी फिर मैं 40 में कराता हूं. हाँ जी 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 सर, ये टेबल में अमाउंट्स नहीं होंगे, ये जो लॉसेस हैं जी, तो फिर हम 2020 की जो अमाउंट है उसमें ये कंसीडर करना है 2019 भी शामिल है? नहीं नहीं, 19 तो गुजर गया ना. जैसे हमें नहीं, आप कह रहे हैं कि वो, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो 2020 की क्लोजिंग फिगर है. क्लोजिंग फिगर कहना सही है, लेकिन ये बात नहीं सही कि 19 वाली फिगर भी शामिल है. जरूरी नहीं है, 19 वाले हालात हो सकता है और तरह के हों, 20 वाले हालात और तरह के हों. हमने जो 2020 की फिगर या तो गिवन हो या कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे डेटर की प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होता है कि क्लोजिंग कैलकुलेट हो रहा होता है ना. क्योंकि ना ये जो हम लोग लॉस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, इसकी लॉजिक ये है कि जितना अभी इस वक्त हम रिसीवेबल शो कर रहे हैं इसमें से इतना शायद नहीं मिलेगा, तो इसमें से इतना नहीं मिलेगा तो उसमें से लेस करके बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए. तो कोई चीज बैलेंस शीट में से तभी लेस होगी, बैलेंस शीट में तभी पहुंचेगी जब वो अपने अकाउंट का सीडी बैलेंस होगा. देखें ये जो 4,65,000 है, हमने कहा कि इसमें से शायद इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बैलेंस शीट में दिस माइनस दिस करके शो होना चाहिए. तो अगर आपने 13,950 को बैलेंस शीट तक पहुंचाना है तो लॉस अलाउंस का सीडी बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ना. तो इसलिए जो लॉस अलाउंस कैलकुलेट किया जा रहा है या गिवन है ये सीडी ही होता है. पार्ट बी डन. चलें लेक्चर 39 बस यही एंड करते हैं. सी आके फिर मैं अगले क्लास में कराता हूँ. ठीक.